हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम भाषा माधुरी इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 21 जगदीश चंद्र बसु इस पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। तो सभी बच्चों ने भाषा माधुरी बुक निकालनी है और लेसन नंबर 21 पेज नंबर 77 निकालनी है। सभी ने टेक्स्ट बुक में देखना है। तो देखो, पाठ का नाम है जगदीश चंद्र बसु। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। वे दूषित वायु लेकर हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ क्या करते हैं? दूषित वायु यानी खराब हवा लेकर हमें शुद्ध वायु देते हैं। खराब हवा लेते हैं और शुद्ध हवा हमें देते हैं। यह खोज हमारे महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने की थी। तो यह खोज हमारे जो महान बड़े वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने की थी। जगदीश चंद्र बसु का जन्म ढाका में हुआ था। तो बच्चों देखो, जगदीश चंद्र बसु का जन्म ढाका में हुआ था। ढाका इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। श्री बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। पाठशाला में अधिकतर बच्चे किसानों और नाव चलाने वाले मल्लाओं के थे। तो पाठशाला में ज्यादा से ज्यादा बच्चे किसानों के थे और नाव जो चलाते हुए वो लोग उनको मल्लाहो कहते हैं, तो उनके बच्चे थे। ये इन बच्चों के साथ प्रेम से खेलते, उन्हें कभी कभी अपने घर ले आते और उनके साथ भोजन करते। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु इन बच्चों के साथ प्रेम से खेलते थे, उन्हें कभी कभी अपने घर ले आते थे और उनके साथ भोजन भी करते थे। इन्हें अपनी मातृभाषा बांग्ला से विशेष लगाव था। तो जगदीश चंद्र बसु को अपनी मातृभाषा बांग्ला से एक विशेष लगाव था। श्री बसु को अच्छे आचरणों के संस्कार घर से ही मिले थे। अच्छे संस्कार उनको घर से ही मिले थे। बचपन से ही खोज संबंधी कार्यों में इनकी रुचि थी। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु की बचपन से ही ये खोज संबंधी कार्यों में इनकी रुचि थी, लगाव था। पाठशाला की पढ़ाई के बाद श्री बसु सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने लगे। पाठशाला की पढ़ाई के बाद श्री बसु सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने लगे। कॉलेज के अध्यापकों से भी इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कॉलेज के जो भी अध्यापक थे, इनसे भी इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने के बाद इन्होंने विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो देखो, सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने के बाद इन्होंने दूसरे विदेश से जो उच्च शिक्षा थी वह प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री बसु प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रोफेसर बन गए। तो उनकी जैसे भी पढ़ाई पूरी हुई, तो उसके बाद श्री बसु प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रोफेसर बन गए। उस समय अंग्रेजों का शासन था। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था तभी। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था। वे अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीयों को वेतन भी कम देते थे। तो देखो, वे लोग भारतीयों को वेतन भी कम देते थे, सैलरी भी कम देते थे। श्री बसु के साथ
भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। श्री जगदीश चंद्र बसु के साथ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही व्यवहार किया। इस भेदभाव के कारण श्री बसु बिना वेतन लिए विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अपने अनुसंधान कार्य में लगे रहे। तो देखो, ये इस भेदभाव के कारण श्री बसु ने बिना वेतन लिए, उन्होंने वेतन लिया नहीं और बिना वेतन लिए हुए विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अपना जो खोज कार्य था वो करने में लगे रहे। धीरे धीरे इनका यश बढ़ता चला गया। धीरे धीरे जगदीश चंद्र बसु का यश बढ़ता चला गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी श्री बसु का सम्मान करने लगे। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो भी बसु का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। अंग्रेज सरकार ने इनके खोजपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर इनका 3 साल का रुका हुआ वेतन आदर सहित दे दिया। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु का कार्य अच्छे होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उनके खोजपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर इनका जो 3 साल का रुका हुआ था वेतन, वह वेतन उसको आदर के साथ दे दिया। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने बेतार के तार यानी रेडियो पर सफल अनुसंधान किया। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु ने बेतार के तार यानी रेडियो पर भी सफल अनुसंधान किया, खोजपूर्ण कार्य किया। उसी समय इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने भी इसे विषय पर कार्य किया और वे श्री बसु से पहले ही इस खोज के विषय में मान्यता लेने में भी सफल हो गए। तो देखो, इटली के जो भी वैज्ञानिक थे, मार्कोनी भी इसी विषय पर कार्य किया और वे श्री बसु से पहले ही इस खोज के विषय में मान्यता लेने में सफल हो गए। इस प्रकार अपने प्रयास को व्यर्थ जानकर श्री बसु को दुख हुआ और इस प्रकार में अपना जो प्रयास था, कोशिश थी, वो व्यर्थ जानकर श्री बसु को बहुत दुख हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने हार नहीं मानी। इसके बाद इन्होंने जीव और पेड़ पौधों के विषय में काम करना शुरू किया। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु ने इसके बाद जीव और पेड़ पौधों के विषय में काम करना शुरू किया। बहुत परिश्रम के बाद ये एक ऐसा यंत्र बनाने में सफल हुए जिससे पेड़ पौधों के भावों को जाना जा सके। तो देखो, जगदीश चंद्र बसु ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा यंत्र बनाने में सफल हुए जिससे पेड़ पौधों को भावों को जाना जा सके। इसी के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, दुख में रोते तथा सुख में प्रसन्न होते हैं। इस कार्य से विश्व के वैज्ञानिकों ने भी श्री बसु का सम्मान अत्यधिक बढ़ गया और यह कार्य करने से विश्व यानी जग के वैज्ञानिकों ने भी बसु का आदर अत्यधिक बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। देश विदेश के वैज्ञानिक उनसे परामर्श करने लगे और देखो, देश विदेश के जो भी वैज्ञानिक थे उनसे राय करने लगे, परामर्श यानी राय करने लगे। इन्होंने छात्रों की सुविधा के लिए कोलकाता में बसु विज्ञान मंदिर खोला। तो जगदीश चंद्र बसु ने छात्रों की सुविधा के लिए कोलकाता में बसु विज्ञान मंदिर खोला। यह अध्ययन के लिए विदेशों से भी छात्र आने लगे। यहाँ पढ़ाई के लिए विदेश से भी छात्र आने लगे। श्री बसु एक आदर्श प्राध्यापक थे।
छात्रों के मन में इनके प्रति अत्यंत सम्मान था। छात्रों के मन में इनके प्रति अत्यंत सम्मान था, आदर था। ये छात्रों से कहा करते थे, जगदीश चंद्र बसु छात्रों से कहा करते थे, तुम अपने जीवन का एक रास्ता चुन लो, कितने भी विघ्न आए तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो देखो, छात्रों को कहा है, तुम अपने जीवन का एक सही रास्ता चुन लो, कितने भी विघ्न यानी बाधा आए तो भी तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, अपना जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उनकी तरफ बढ़ते रहो। असफल होने पर भी दूसरों को दोष न दो, असफल होने पर भी दूसरों को कभी भी दोष नहीं देना है। परिस्थिति के सामने हार मत मानो, जो भी परिस्थिति आई तो उनके सामने कभी भी हार मत मानो, बार बार प्रयास करो, बार बार कोशिश करो और एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। बार बार कोशिश करने के बाद एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। तो बच्चों, इसी तरह यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ है। सभी ने एक बार रीड करना है, लेसन नंबर 21, जगदीश चंद्र बसु यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।